नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई, यानी कि राज्य में अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग कितने कितने किस किस जाति से हैं, उन जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके पास किस प्रकार की सुविधाएं हैं, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके कितने लोग कहाँ रह रहे हैं, यानी एक परिवार के लोग में कौन से सदस्य पटना में हैं, कौन से सदस्य पटियाला में हैं, कौन से सदस्य बिहार शरीफ में हैं और कौन से उस परिवार के सदस्य बेंगलुरु में हैं, इस सब की जानकारी इस जातीय जनगणना में जुटाने का उद्देश्य है। और पटना में इसकी शुरुआत हुई है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने आज बताया कि किस प्रकार से राज्य में जो जातीय जनगणना हो रही है उसमें पटना में क्या हो रहा है। दरअसल अगर पटना की बात करें तो चंद्रशेखर के अनुसार पटना में करीब 20 लाख परिवार रहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो पटना जिला में करीब 20 लाख परिवार हैं। और इस 20 लाख परिवारों की गिनती करने के लिए बड़े स्तर पर आज से अभियान की शुरुआत हुई है। इन परिवारों की गिनती करने के लिए जो आज से शुरुआत की गई है, इसमें कुल 12,696 कर्मियों को गणना करने के लिए लगाया गया है, यानी कि एक एक घर तक पहुंचने की जो तैयारी की गई है उसके लिए 12,696 लोगों की एक टीम काम कर रही है और यह टीम तमाम लोगों की जो जातीय जनगणना है वह करेगी। साथ ही जो जनगणना करने वाली टीम है उस पर सुपरविजन करने के लिए भी एक 2,000 लोगों की टीम है जो कि अलग अलग कार्यालयों में कार्यरत है। यानी कि अगर अकेले पटना जिले की बात करें तो करीब 15,000 कर्मियों को जातीय जनगणना से जुड़े हुए अलग अलग प्रबंधनों के लिए लगाया गया है। पटना डीएम चंद्रशेखर ने क्या क्या बताया है और किस प्रकार से यह जातीय जनगणना पटना में की जा रही है, आप सुनिए डॉक्टर चंद्रशेखर की जुबानी। है अगर कहीं कोई किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, ये लोग देखेंगे और उसका समाधान करेंगे और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और लोगों को कन्विंस करके इसको कराएंगे। मार्केज में वही की जा रही है और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगभग हैं। शहरी क्षेत्र में कुछ अधिक हो सकते हैं और औसत हम लोग देखें तो 150 लगभग मकान हैं, 700 की आबादी लगभग है। तो उसके लिए 14 दिन का समय है नंबरिंग करने का। हमारा दूसरा फेज चलेगा अप्रैल में, उसमें हम लोग बाकी डिटेल लेंगे। उसमें पूरे 26 कानून हैं और सब प्रकार की सामाजिक आर्थिक और उसके साथ साथ जाति की जानकारी, ये हम लोग सेकंड फेज में लेंगे। क्योंकि आज हम लोग हमारा गणना ब्लॉक में, प्रत्येक गणना ब्लॉक में जितने घर हैं उन घरों की नंबरिंग करेंगे और परिवार की संख्या, मकान की संख्या और उसके बाद परिवार की जो मुखिया है उनका भी हम लोग प्राप्त करेंगे, परिवार में कितने सदस्य इसका प्राप्त। ये कैसे भी बनाया गया, क्या सर किस तरीके से मकान की गणना से क्या? हाँ बिल्कुल, क्या फायदा वो यही है कि शुद्धता इसमें रहे और बहुत ही स्टेप बाई स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। राज्य स्तर से ले रहे हैं, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और त्रुटि नहीं तो गणना हो, इसलिए फर्स्ट फेज में हम लोग इसको प्रत्येक गणना ब्लॉक में कितने मकान कितने परिवार हैं उसकी गणना कर रहे हैं और उसके बाद सेकंड फेज में हम बाकी डिटेल उस परिवार से लेंगे। दो फेज में इसीलिए किया गया है कि त्रुटि नहीं हो, उसका डेटा कंपाइलेशन भी।